न्यूक्लियर डेटोनेशन मतलब एटॉमिक ब्लास्ट का खतरा पहचान लेना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी घटना है जो दुनिया को पल भर में बदल सकती है, इसलिए इसके साइंस को पहचाना और तुरंत एक्शन लेना आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऐसी चीज है जो आपने कभी नहीं देखी होगी। ये एक ऐसा दृश्य है जो आपके होश उड़ा देगा। इसके विजुअल इफेक्ट्स इतने प्रभावशाली होते हैं कि आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि कुछ असाधारण हो रहा है। यह एनर्जी का एक भयानक विस्फोट होता है जिसे देखकर ही पता चल जाता है कि ये कितना खतरनाक है। इस विस्फोट से निकालने वाली ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। पहला सीन होगा एक तेज रोशनी, बिल्कुल सूरज से भी तेज। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि आपको तुरंत अंधकार महसूस होगा, जैसे आपने कुछ देखा ही ना हो। ये तेज रोशनी कुछ देर के लिए या हमेशा के लिए अंधा बना सकती है। इस रोशनी से बचने के लिए तुरंत अपनी आंखों को ढक लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आंखों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ आग का गोला दिखाई देगा, जो धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा। ये आग का गोला इतना भयानक होता है कि ये आसमान तक पहुंच सकता है, जो जल्दी ही एक बड़े से मशरूम क्लाउड में बदल जाएगा। यह मशरूम क्लाउड एक डिस्टिंक्ट शेप होता है जो सिर्फ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद ही देखा जा सकता है। ये न्यूक्लियर डेटोनेशन की सबसे अलग पहचान है। इस क्लाउड को देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह एक न्यूक्लियर ब्लास्ट है। एक्सप्लोजन से निकालने वाली शुरुआती लहर, जिसे ब्लास्ट वेव कहते हैं, हवा से भी तेज चलती है और अपने रास्ते की हर चीज को तबाह कर देती है। ये वेव इतनी शक्तिशाली होती है कि ये सब कुछ अपने रास्ते से हटा देती है। इस ब्लास्ट वेव की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये बिल्डिंग्स को गिरा सकती है और चीजों को बहुत तेज गति से उड़ाने का काम करती है। ये वेव इतनी तेज होती है कि आपको संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपको जमीन हिलती हुई महसूस होगी और हवा के दबाव में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। ये बदलाव इतना ज्यादा होगा कि आपको लगेगा जैसे जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसक रही है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिग्न दिखाई दे तो तुरंत एक्शन लें। अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत सुरक्षा के उपाय अपनाएं। आपकी जान इस पर निर्भर करती है, हर पल महत्वपूर्ण है और आपके एक्शन से ही आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा हो सकती है। न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद के कुछ पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए बिना देरी किए तुरंत सुरक्षा के उपाय अपनाएं। न्यूक्लियर अटैक से बचने का सबसे बेहतर तरीका है तुरंत शेल्टर में छुप जाना। जैसे ही आपको न्यूक्लियर डेटोनेशन का पता चले, तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाओ। सबसे अच्छा शेल्टर वो होता है जो ब्लास्ट वेव, गर्मी और रेडिएशन से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करे। जमीन के नीचे बने स्ट्रक्चर्स में जाने की कोशिश करें, जैसे बेसमेंट, मेट्रो स्टेशन या बंकर्स। अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं है तो किसी मजबूत बिल्डिंग के सबसे अंदर वाले कमरे में चले जाएं। एएपी और बाहर के बीच जितनी ज्यादा दीवारें और फलेन होंगी उतना ही बेहतर होगा। ईंट या कंक्रीट की बनी बिल्डिंग लकड़ी की बिल्डिंग से ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती हैं। याद रखें, समय बहुत कम होता है। न्यूक्लियर इवेंट में हर सेकंड कीमती होता है। जब शेल्टर का कोई ऑप्शन ना हो तो डक एंड कवर टेक्निक थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अगर आप खुले में हैं और शेल्टर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है तो तुरंत जमीन पर लेट जाएं, चेहरा नीचे करके अपनी सर और गर्दन को अपनी बाहों से ढक लें। ये आपको उड़ने वाले मलबे और थर्मल रेडिएशन से कुछ हद तक बचाएगा। किसी भी अवेलेबल कवर के ये पीछे छुपने की कोशिश करें, जैसे कोई खड़ी हुई गाड़ी या कोई दीवार। हालांकि यह उतना असरदार नहीं है जितना कि एक प्रॉपर शेल्टर, लेकिन ये उपाय आपके बचने की संभावना को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 4, द हीट वेव, अ वॉल ऑफ फायर एंड फ्यूरी। ब्लास्ट वेव के बाद एक्सप्लोजन से एक तेज गर्मी की लहर निकालती है। यह हीट वेव बहुत दूर तक भी तेज जलन पैदा कर सकती है। दूरी बढ़ने पर गर्मी की इंटेंसिटी कम होती जाती है, लेकिन यह एक बड़ा खतरा बनी रहती है। अगर आप फायरबॉल को देखने के इतने करीब हैं, तो आप हीट वेव की चपेट में हैं। इस तेज गर्मी से बचने के लिए शेल्टर में रहना बहुत जरूरी है। अंदर रहें और खिड़कियों से दूर रहें। चाहे आप सीधे एक्सपोज न भी हों, फिर भी आग लगने वाली चीजें आग पकड़ सकती हैं, जिसे हर तरफ आग फैल सकती है। अगर ऐसा करना सुरक्षित हो तो आग से निपटने के लिए तैयार रहें। सेक्शन 5, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग योर डिफेंस अगेंस्ट रेडिएशन। रेडिएशन इज एन इनविजिबल थ्रेट दैट कैन हैव डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन लिविंग टिश्यूज। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इज क्रूशियल। न्यूक्लियर डेटोनेशन के सबसे बड़े खतरों में से एक है इनविजिबल किलर रेडिएशन। जब एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो सिर्फ ब्लास्ट ही नहीं बल्कि रेडिएशन भी एक बड़ी समस्या होती है। ये रेडिएशन आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन इसका असर बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
रेडिएशन एक तरह की एनर्जी है जो लहरों या पार्टिकल्स के रूप में ट्रैवल करती है। ये एनर्जी अल्फा, बेटा, गामा रेज और न्यूट्रॉन्स के रूप में हो सकती है। हर एक टाइप की रेडिएशन का अपना अलग प्रभाव होता है और यह अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाती है। ये जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जिसमें रेडिएशन सिकनेस और कैंसर शामिल हैं। रेडिएशन सिकनेस के लक्षण में नौजिया, वॉमिटिंग और फटीग शामिल हैं। लंबी अवधि तक एक्सपोजर से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। रेडिएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग के सिद्धांतों को याद करके अपना एक्सपोजर कम से कम करना। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स आपको रेडिएशन के प्रभाव से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। उन जगहों पर बिताया गया समय कम से कम करें जहां रेडिएशन का स्टार अधिक हो। रेडिएशन के एक्सपोजर को कम करने का पहला तरीका है समय को कम करना। जितना कम समय आप रेडिएशन के स्रोत के पास बिताएंगे, उतना ही कम एक्सपोजर होगा। AAP जितनी देर तक एक्सपोज्ड रहेंगे, आपको उतनी ही अधिक डोज मिलेगी। इसलिए रेडिएशन के स्रोत के पास बिताने वाला समय कम से कम रखें। रेडिएशन डोज को ट्रैक करने के लिए रेडिएशन डोज मीटर का इस्तेमाल करें। रेडिएशन के स्रोत से अपनी दूरी को अधिकतम करें। दूसरा तरीका है दूरी को बढ़ाना। रेडिएशन के स्रोत से जितनी दूरी बनाएंगे, उतना ही कम एक्सपोजर होगा। दूरी के साथ रेडिएशन की तीव्रता तेजी से कम होती जाती है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, जिसमें डिस्टेंस डबल करने से रेडिएशन इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाती है। रेडिएशन को रोकने के लिए शील्डिंग का इस्तेमाल करें। तीसरा तरीका है शील्डिंग का इस्तेमाल। शील्डिंग का मतलब है ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल जो रेडिएशन को ब्लॉक या अब्सॉर्ब कर सकें। सीसो, कंक्रीट और यहां तक कि मिट्टी जैसी घनी चीजें रेडिएशन को प्रभावित ढंग से सोख सकती हैं। ये मटेरियल्स रेडिएशन को इफेक्टिवली ब्लॉक करते हैं और आपको सुरक्षित रखते हैं। रेडिएशन से सुरक्षा के लिए इन प्रिंसिपल्स को याद रखें और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सेक्शन 6, सीलिंग योर शेल्टर, कीपिंग फॉलआउट एट बे। In this section, we will discuss the crucial steps you need to take to ensure your safety in the event of a nuclear fallout. Understanding these measures can make a significant difference in protecting yourself and your loved ones. Shuruati blast wave or heat wave ke baad, radioactive fallout ek badi chinta ka vishay hai. Jab ek nuclear explosion hota hai, to pehle blast wave or heat wave aati hai, jo apne aap mein hi bahut destructive hoti hain. Lekin inke baad jo sabse badi chinta hoti hai, wo hai radioactive fallout. फॉलआउट में रेडियोएक्टिव मटेरियल से कंटेमिनेटेड डस्ट और डिब्री होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में मिल जाते हैं और फिर धीरे धीरे जमीन पर गिरते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखना मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये फॉलआउट हवा के बहाव से होता है और विस्फोट स्थल से बहुत दूर सातोहन पर जाम सकता है। हवा के साथ ये पार्टिकल्स बहुत दूर तक जा सकते हैं और अलग अलग जगह पर गिर सकते हैं। इसलिए अगर आप एक्सप्लोजन साइट से दूर भी हैं, तब भी आपको फॉलआउट से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप शेल्टर मैन हैं, तो फॉलआउट को अंदर आने से रोकने के लिए अपने शेल्टर को सील करना बहुत जरूरी है। यह एक अहम कदम है जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकता है। शेल्टर को सील करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और उन्हें लॉक कर दें। यह पहला कदम है जो आपको लेना चाहिए। खिड़कियों और दरवाजों को बैंड और लॉक करने से आप रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स को अंदर आने से रोक सकते हैं। खिड़कियों और दरवाजों के आसपास के किसी भी गैप्स या क्रैक्स को डक्ट टेप, प्लास्टिक शीटिंग या गीले टॉवल से बैंड कर दें। यह इंश्योर करेगा कि कोई भी छोटा पार्टिकल भी अंदर ना आ सके। डक्ट टेप और प्लास्टिक शीटिंग का इस्तेमाल करके आप अपने शेल्टर को और भी ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। ऐसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करने से बचें जो बाहर से हवा खींचते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स जो बाहर से हवा लेते हैं, वो रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स को भी अंदर ला सकते हैं। इसलिए इन्हें बैंड कर देना चाहिए और एयर वेंट्स को भी कवर कर देना चाहिए। ये उपाय रेडियोएक्टिव फॉलआउट की संपर्क में आने को कम करने में मदद करेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित एनवायरनमेंट बना सकते हैं। याद रखें, तैयारी ही सुरक्षा की कुंजी है। अपने शेल्टर को सील करके आप फॉलआउट के खतरे को कम कर सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें और अपने